ये है बटरफ्लाई बिल्डिंग और इसी के सामने है इथरा की बिल्डिंग। इथरा बिल्डिंग बहुत ही जानी मानी मशहूर बिल्डिंग है ईस्टर्न प्रोविंस में, दम्मम में, जुबेल और खुबर के आसपास में। ये आरामको का प्रोजेक्ट है। आरामको के बारे में जो भाई नहीं जानते उनको बता दूं कि आरामको एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ऑयल और गैस निकालती है। तो हम आ चुके हैं इसके अंदर घूमने के लिए। ये सामने हमने गाड़ी पार्क कर दी पार्किंग में और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा गार्डन बना हुआ है। कैटस के पेड़ हैं जो कि कांटों वाले पेड़ हैं और इसी के सामने है यहाँ पे हमारी एंट्रेंस इथरा बिल्डिंग के अंदर जाने की। तो आसपास में आप जो देख रहे हो ये सब बैठने करने के लिए, यहाँ पे जो बिल्डिंग का व्यू है आप उसको इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ बैठ के टाइम पास कर सकते हैं। और जो नीचे दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे ये लाइटें हैं जो कि रात में जलेंगी। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमारी चेकिंग होगी, अंदर चल के फिर देखते हैं। तो ये है पहला व्यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे काउंटर है, काउंटर में आप इंक्वायरी कर सकते हैं कहाँ जाना है आपको, फलाना और कुछ भी बातें पूछना है तो आप काउंटर पे इंक्वायरी कर सकते हैं कोई भी चीज़ की। और यहाँ पे हर जगह जाना आपको अलाउड नहीं है, कुछ जगह पे आपको पैसे देके टिकट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला व्यू है, देखिए लाइटें वाइटें, ऐसा लग रहा है कि हम एडवांस जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जैसे कि बच्चों का म्यूज़ियम है और बड़ों के लिए म्यूज़ियम अलग है और थिएटर है। हम थिएटर सोचते हैं, हम सोचते हैं कि फिल्म विल्म चल रही होगी, नहीं भाई वो वाला थिएटर नहीं है। ये थिएटर में आपको प्ले, जो थिएटर प्ले होता है ना वो होगा, यहाँ पे कोई गाना गाएगा या कोई करके कुछ दिखाएगा तो वो थिएटर है। अगर आपको कहीं और जाना है तो आप प्लेयरों पे यहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ है, लाइब्रेरी है, नॉलेज टावर है, आइडिया लैब है, एनर्जी एग्जीबिशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हर जगह आपको जैसे मैंने बताया था फ्री एंट्री नहीं है, आपको पेमेंट करके जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे लाइब्रेरी है फर्स्ट फ्लोर पे। फिर हम आए सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे भी लाइब्रेरी है। फिर फाइनली हम चले गए सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर पे देखिए आप कितना अच्छा व्यू है, यहाँ से पूरी बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है, एडवांस बिल्डिंग लग रही है। लेकिन ये पूरी बिल्डिंग में लाइब्रेरी बनी हुई है भाई। मैं अगर आपको कहीं जाना है अच्छी जगह पे तो आप घूम एक बार आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं देखने के लिए, पूरी लाइब्रेरी है। अब बाहर का व्यू ये है, ये जो आप देख रहे हो बड़ी बड़ी लाइटें, इसका रात का व्यू बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी ना बिल्डिंग के ऊपर, रात में देखना बहुत ही अच्छा लगता है देखने। लेकिन हम लोग आए थे बिल्डिंग में घूम लिए थोड़ा सा, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया जितना लोग बड़ा चढ़ा के यूट्यूब में अपनी बताते हैं कि भाई दुबई की बिल्डिंग से कंपेयर करती है। बिल्कुल गलत है भाई, बेकार है। देख रहे हो इतनी बड़ी लाइट है ये। आप आओ एक बार, इंजॉय करो बिल्डिंग, थोड़ा सा घूम लो। फ्री है, एंट्री फ्री है, आपको यहाँ पे पेमेंट करना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको पेमेंट करके जाना पड़ेगा। तो अगर आप आना चाहते हो तो एक बार आ ही सकते हो आधे घंटे डेढ़ घंटे के लिए, अब आप बाहर निकल जाओगे। जैसे हम लोग निकल गए एक घंटे के अंदर ही, एक घंटा भी नहीं, 40 मिनट्स के अंदर हम पूरी बिल्डिंग घूम के बाहर निकल गए और हमको मज़ा नहीं आया भाई बिल्कुल भी। मैं तो कहूँगा इससे अच्छा आप कॉर्निश चले जाओ, कहीं भी अच्छी कॉर्निश चले जाओ, या फिर उथेम मॉल यहाँ से करीब पड़ता है, उथेम मॉल चले जाओ। उथेम मॉल इससे बहुत लाख गुना अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।